नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एआई गन, और हमने स्ट्रॉ भी लोड कर लिया था क्योंकि पशु मालिक ने बताया था कि ये जो गाय है ये हीट में आई है और इसने डिस्चार्ज निकाला है, तो आप इसकी एआई करिए। तो अभी हमने गन लोड कर ली थी, हम इसको एआई करने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसका पैरेंटल एग्जामिनेशन किया तो मुझे पता चला कि ये जो गाय है ये प्रेग्नेंट है और इसके अंदर लगभग 5 महीने की प्रेगनेंसी है, क्योंकि जो यूट्राइन हॉर्न है वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और जो बच्चे के फीटल पार्ट हैं वो मुझे पूरी तरह से दिख रहे हैं, जो कंफर्म करता है कि जो प्रेगनेंसी है वो 5 मंथ प्लस की है। लेकिन हमने अभी गन लोड कर ली थी, आप देखिए मेरा जो गन का प्लंजर है वो भी पीछे है, क्योंकि जब मैं इसको पुश करूँगा तभी जो सीमन है वो बाहर निकलेगा। लेकिन अब हम इसको एआई नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। तो इस वीडियो को बताने का यही मकसद है कि जब भी आप किसी पशु की एआई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उस पशु का प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कीजिए, यानी कि पररेक्टल एग्जामिनेशन करके उसके यूट्रेन हॉर्न का स्टेटस पता करिए, क्योंकि कुछ परसेंटेज जो प्रेग्नेंट जानवर होते हैं वो भी हीट में आ जाते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो जब भी आप हिस्ट्री लेंगे तो जैसे ही अगर आपको कोई पशु मालिक फ़ोन करके जहाँ इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी जो गाय है वो हीट में है और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है कि उसको एआई पहले की गई है, तो आप पहले उसकी पीडी करिए, कंफर्म करिए, उसके बाद ही आप एआई करिए। अगर बिना चेक करे मैं इसको एआई कर देता तो ये विद टाइम अबॉर्ट कर जाती, इसका बच्चा गिर जाता, तो पशु मालिक को बड़ा नुकसान होता। तो इसलिए ये मेरे साथ 10 से ज़्यादा बार हुआ है कि जब हम एआई करने गए आगे पशु प्रेग्नेंट था। इस तरह की पहली वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल के रखी है, आप उनको भी ज़रूर देखिए। दोस्तों, अभी हमने गाय को पहले की तरह छोड़ दिया है और आप देखिए अच्छी तरह से ये चारा भी खा रही है, एक्टिव है, अलर्ट है। लेकिन पशु मालिक ने सुबह देखा था कि इसने वेजाइनल डिस्चार्ज किया था जो कि मोटा था, यानी कि वो थिक था। तो अगर इस तरह का डिस्चार्ज आता है और प्रीवियस हिस्ट्री है कि पशु को एआई की गई है, तो आप ध्यान रखिए कि वो पशु प्रेग्नेंट हो सकता है। तो आप डॉक्टर से पहले उसकी पीडी करवाइए, पता लगाइए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसके बाद ही उसकी एआई करवाइए। जैसे कि अभी हमने इसकी एआई नहीं की है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। तो अगर थिक या मोटा डिस्चार्ज पशु निकालता है टीका लगाने के 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो उस डिस्चार्ज को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो पशु है वो प्रेग्नेंट हो सकता है। तो ऐसे केसों में अगर गलती से भी एआई गन सर्विक्स तक पहुंच जाए तो पशु के अबॉर्शन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, वो जल्दी बच्चा गिरा सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है वो बाकी लोगों को जागरूक करती है, मोटिवेट करती है और उनको जानकारी देती है कि कैसे अपने पशु को इन चीज़ों से वो बचा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।